हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नम्स रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं केक, जो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने 2 कप नमक गरम करने रख दिया है कुकर में, लो मीडियम फ्लेम पे। और ये 1 कप मैंने दूध में 2 टेबल स्पून नींबू का रस मिलाया है और इसको 5 मिनट रख देंगे हम। ये 1 चम्मच मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया हुआ है, इसको अच्छे से हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा मेल्ट कर देते हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 2 कप मैदा, एक कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप शुगर को मिक्सर में पीस लीजिए, बन गया शुगर पाउडर। तो इसी कप में मैंने मेज़र किया है। और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले। और ये दूध जिसमें मैंने नींबू मिलाया था उसको हम मिक्स करेंगे। और 1/4 कप ऑयल, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। ऑयल आप वही यूज़ करें जिसमें से स्मेल नहीं आता हो, जैसे आपको सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल इस टाइप का यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपके केक में स्मेल आने लगेगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अभी मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो मैंने ये पैन ग्रीस कर लिया है बटर से, जिसमें हमको केक बनाना है। तो अच्छे से ग्रीस कर लीजिए चारों तरफ, और इसमें थोड़ा मैदा डाल करके इसको चारों तरफ हम इस तरह से फैलाएंगे। और बचा हुआ मैदा जो होगा उसको हम अलग से मतलब निकाल लेंगे इसमें से। अभी जो ये मिक्सचर है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी बराबर इस तरह से। और एक में मैं डालूंगी इसमें रेड फूड कलर, 1 टेबल स्पून। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। तो चलिए हम पैन में डालने स्टार्ट करते हैं। तो इसको अल्टरनेट हमको डालना है। धीरे धीरे सावधानी से हम डालेंगे इसको। और केक बनाना काफ़ी इजी है। अगर आप इसमें 2 टेबल स्पून डाल देते हैं कोका पाउडर तो फिर वो आपका चॉकलेट केक बन जाता है। तो वैसे ही आपको बनाना है, सेम प्रोसीजर, बट उसमें फूड कलर नहीं डालना आप। ये देखिए इस तरह से अल्टरनेट हम इसको डाल देंगे सारा मिक्सचर। ये हमने अच्छे से डाल दिया, इसको टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। और इस तरह का स्टैंड लेकर के, या आपके पास जिस तरह का स्टैंड हो, हम इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकेंगे और पकाएंगे। और इसका जो सीटी है कुकर का उसको हम निकाल देंगे, उसको साथ में नहीं रखेंगे। और 20 से 25 मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। आप अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस टाइप का कोई भी आप रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ टूथपिक से, तो इसमें पक गया है ये। अभी हम इसको निकाल करके ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसको हम बाहर प्लेट पे निकालेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा पक गया है ये। तो साइड से हम नाइफ से इसको अलग करेंगे थोड़ा सा, और एक प्लेट पे हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से पलट लेंगे हम दूसरे प्लेट पे। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट केक
तरह बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप भी बनाइए ऐसे ही केक। अभी आप इसको जिस टाइप से, आप जिस तरह से आप इसको डेकोरेट करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं इसको रेड वेलवेट से इसको डेकोरेट करूँगी। तो आप भी बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स पे डालिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो प्लीज़। ये देखिए, मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देख सकते हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। तो आप भी इसको बनाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।